अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ हैदराबादी दाल गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, और आप ही देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है, कितना कलरफुल लग रहा है। तो चलिए बहुत ही इजी तरीके से हैदराबादी दाल गोश्त बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप, जो नॉर्मल चाय का कप होता है, 2 कप चने की दाल ली है। इसे आधा घंटा मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, और अच्छी तरीके से धोने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और साथ ही 1 टीस्पून डालेंगे हल्दी, और सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, और अब इसे ढककर हाई फ्लेम पर 1 सीटी और 2 सीटी जो है मीडियम फ्लेम पर लेंगे। 3 सीटी में दाल बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाएगी। तो जब तक दाल गल रही है, यहाँ पर 1 किलो गोश्त लिया है मैंने। 1 किलो गोश्त के लिए 2 कप चने की दाल बहुत हो जाएगी। तो ये भी मैंने अच्छे तरीके से धो के रखा था आधा घंटा पहले। और अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 किलो में 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 किलो मैंने गोश्त लिया है, तो 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से तमाम मसालों को मिक्स करके आधा घंटे के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ सकें, तो आप इसे डायरेक्ट भी पका सकते हैं। ये जब तक मैरिनेट हो रहा है, हम अपनी दाल देख लेते हैं। तो ये देखिए, दाल में 3 सीटी आ चुकी है, दाल जो है गल चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से दाल को नहीं गलाना, बल्कि इस तरह से कि आप प्रेस करें तो दाल मैश होने लगे। अब मैशर की मदद से इसे घोट लेंगे। आप चाहें तो आप मिक्सी में इसे पीस सकते हैं, लेकिन बिल्कुल पिसी हुई दाल चने की है तो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए थोड़ा सा दरदरा रखिए। तो दाल को मैंने मैश कर लिया है, और अब कुकर में हम तेल डालेंगे 1 खाने का चम्मच, और ये गरम मसाले, ये दालचीनी की लकड़ियाँ, 5 से 6 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 चम्मच शाही जीरा लेंगे। हल्का सा कुछ सेकंड के लिए इसे जो है हमने तेल में फ्राई कर लेना है, ताकि क्रैकल हो जाए अच्छे से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर 1 किलो दाल गोश्त हम बना रहे हैं, 1 किलो गोश्त का, तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज का इस्तेमाल किया है, और इसे जो है लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना, बल्कि बस लाइट ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, लाइट ब्राउन हो चुकी है हमारी प्याज। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इस स्टेज पर टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के। अगर आप मीडियम टमाटर यूज़ करते हैं, तो 3 टमाटर का आप इस्तेमाल करें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर टमाटर को पका लेना है, ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। तो देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और टमाटर जो है अब वो सॉफ्ट होने लगे हैं। तो हल्का सा इसे प्रेस करते हुए मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड मटन, जिसे मैंने आधा घंटा तक मैरिनेट किया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मैरिनेट ना करें, डायरेक्ट भी आप ऐसे ही मिक्स करके डाल सकते हैं। अब इस मटन को, गोश्त को, तमाम मसालों के साथ तेल में आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही बिना ढके पकने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पर। तो ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं, और मैंने बिना ढके से पकाया है, तो गोश्त ने अपना जो है इसमें पानी छोड़ दिया है। तो अब इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि ढक्कन लगाकर इसमें 3 से 4 सीटी ले लेंगे, 1 सीटी हाई फ्लेम पर, बाकी मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए, मैंने 3 से 4 सीटी ली थी, और गोश्त जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है। हड्डी और गोश्त आप देख सकते हैं अलग अलग होने लगी हैं। तो अब इसे भूनने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑयल सरफेस पर आ गया है, और गोश्त भी देखें बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 लौकी, 1 मीडियम साइज़ की लौकी, और मैंने इसके जो है बड़े बड़े पीस कर लिए। बहुत से लोग इसे कद्दू भी कहते हैं, तो इसमें जो है 1 मीडियम साइज़ की लौकी, आप जो कद्दू बोलते हैं, वो इसमें ऐड कर लें बड़े बड़े पीस करके। अच्छे से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद इसमें फिर से 1 सीटी ले लेंगे हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर। अगर आपको लगता है मसाला जल जाएगा, तो आप इसमें 1 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें बिना पानी ऐड किए 5 से 7 मिनट पकाया था मीडियम फ्लेम पर, और लौकी बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक हो गई थी 1 सीटी आने पर। तो ये देखिए, मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है, और जो लौकी है वो भी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब मसाला भुनने की हमें ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको लौकी दिखाती हूँ कि हमारी कितनी परफेक्ट कुक हुई है।
और जब हम इसमें दाल वगैरह डालकर इसे कुक करेंगे तो और अच्छी तरीके से गल जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल, जिसे मैशर की मदद से मैंने मैश कर लिया था। इसे ना इस तरह से हल्का दरदरा रखना है और ये सारी की सारी दाल हम गोश्त में ऐड कर देंगे। और अब इसे मिक्स कर लेंगे, थोड़ा से पानी भी खंगाल कर इसमें डाल देंगे। एक मरतबा अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प। तो यहाँ पर मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ इमली का। इसे भी मिक्स कर लेंगे दाल गोश्त के साथ। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि दाल बहुत गाढ़ी है अभी। और इसे भी एक मरतबा मिक्स करने के बाद हम इसे एक जोश आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि चने का दाल गोश्त है तो हल्का सा थिक होना चाहिए। तो ये देखिए, कुछ 10 मिनट हो गए इसे पकते हुए, अच्छे से उबाल आ चुका है। इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, और आप कलर देखिए कि खुद ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था हैदराबादी दाल गोश्त का। तो अब इसमें एक जोश आ चुका है, तो हम जो है 2 मिनट इसे और पकने देंगे और इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन रख दिया है जिसमें हम डालेंगे 1/2 खाने का चम्मच तेल। इसमें डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च, 1 बारीक कटी हुई प्याज। तो प्याज को जो हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो आप प्याज का कलर जो है चेंज हो चुका है, हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून। साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर तीखा वाला, क्योंकि हमने सिर्फ मैरिनेशन में 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया था, इसके अलावा हमने हरी मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर भी 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे ताकि जो दाल गोश है वो थोड़ा सा तीखा बने। अब ये तड़का हमारा रेडी हो गया है करी पत्ता डालने के बाद, तो हम इसे दाल में तड़का दे देंगे। और हमारा दाल गोश्त बिल्कुल रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें हैदराबादी दाल गोश्त। आप लोगों को पसंद आएगा, थोड़ा खट्टा थोड़ा तीखा। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, मुझे आपके कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।